सिंगरौली नगर निगम ने सड़कों से राजनैतिक बैनर पोस्टर हटाए और राजनैतिक दलों से आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने का अनुरोध किया। सिंगरौली के नए नगर निगम आयुक्त दया किशन शर्मा पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में नजर आए। सबसे पहले उन्होंने अपने अमले के साथ परसोना मेन मार्ग से नवजीवन विहार तक और इंदिरा मार्ग राजकमल होटल मस्जिद तिराय से राजनीतिक दलों के होर्डिंग पोस्टर हटवाए। निगम आयुक्त ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए शासन की मदद करें एवं प्रशासन के साथ में मिलकर सहयोग बनाए रखें। नगर निगम की पूरी टीम के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार परसोना रोड से लेकर के विंध्य नगर तक का मुख्य जो मार्ग है सिंगरौली नगर का, इसमें संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत झंडे बैनर पोस्टर आदि हटाने की कार्रवाई संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत आज कार्रवाई की गई है। इसके अलावा नगरीय सीमा के जो अन्य क्षेत्र हैं बैढ़न आदि, उन क्षेत्रों में भी नगर निगम का पूरा अमला वार्ड प्रभारियों के साथ सहायक यंत्री उपयंत्री के साथ पूरा अमला लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सतत कार्यवाही जारी रखे हुए है और ये कार्यवाही लोकसभा निर्वाचन संपादित होने तक निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर के मार्गदर्शन में ये कार्यवाही सतत जारी रहेगी। मेरा इतना ही कहना है, ये सभी नगरवासियों से निवेदन है कि राज्य निर्वाचन लोक निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन हेतु जो निर्देश प्रसारित किए गए हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए इस कानून व्यवस्था में और लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के अंतर्गत व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करें। समस्त नगरवासियों से मेरी यही अपील है और यही निवेदन। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।